एलटीटी में आपका स्वागत है। देखते हैं खबरों का संसार। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में नगर पालिका में भी किया जा रहा है सैनिटाइजिंग का छिड़काव। बदायूं से राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पुनः जी में आपका स्वागत है। देखते हैं खबरों का संसार। बरेली जनपद की तहसील मीरगंज में ग्राम पंचायत नगरिया सादातपुर में प्रधान करा रहे हैं अपने गांव में सैनिटाइजिंग का छिड़काव। मीरगंज से वेद प्रकाश की रिपोर्ट। इस संबंध में प्रधान ने दिया जनता को संदेश, किया जागरूक। प्रधान जी, आपके द्वारा ग्राम वासियों को कैसे जागरूक किया जा रहा है कोरोना को लेकर? हमने अपने गांव में जो बाहर से व्यक्ति आए हैं उनके लिए सभी को ये बता दिया है कि जो भी बाहर से आया है तो वो 14 दिन तक अपने घर से बाहर ना निकले और घर परिवार से अपने अलग रहे, अलग कमरे में रहे। और उसकी फीस सूची हमने प्रशासन को दे दी है। लगभग कितने लोग हैं जो आपके ग्राम में आए बाहर के काम से? बाहर से आए हैं। पुनः एलटी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं खबरों का संसार। बरेली जनपद की तहसील बहेड़ी में कोटेदार नहीं करा रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन। ये दृश्य ग्राम पंचायत शाहपुर डांडी का है, जहां पर कोटेदार के से राशन लेने वाले बैठे हैं पास पास। बहेड़ी से शेर सिंह की रिपोर्ट। सरकार ने राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन देने की घोषणा पर कोटेदारों के यहाँ लग गई है भीड़। पुनः एलटी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं एलटी न्यूज खबरों का संसार। बरेली जनपद की तहसील आंवला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया चेयरमैन संजीव सक्सेना का स्वागत। आंवला से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सह सहयोगी अंकित गुप्ता। राजपुर कला ग्राम पंचायत में सांड चढ़ा छत पर। ग्राम गुरबा में देखा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम और प्रशासन हुआ अलर्ट। रामनगर रोड पर एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र पर नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन। गांव गांव इंजीनियर नरेंद्र सिंह राजपूत और ब्लॉक प्रमुख श्री पाल लोधी जी बंटवा रहे हैं मास्क और कर रहे हैं लोगों को जागरूक। आंवला से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सह सहयोगी अंकित गुप्ता। गैस एजेंसी पर भी किया जा रहा उज्ज्वला गैस के अंतर्गत घर घर पहुंचाने का काम। लोग एक साथ आ गए थे तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पर बाहर आला से अशोक
आलोक शर्मा की रिपोर्ट, सह सहयोगी अंकित गुप्ता। आंवला में गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं 3, 2 है बंद और RFC का क्रय केंद्र है चालू, जहां के केंद्र प्रभारी ने दिया अपना बयान। अभी तक 140 क्विंटल गेहूं का किया जा चुका है क्रय। LTD न्यूज से आलोक शर्मा की रिपोर्ट, सह सहयोगी अंकित गुप्ता। आंवले में भी रात को की जा रही है फ्लैग मार्च, अधिकारी हो रहे हैं मौजूद, लोगों को कर रहे हैं जागरूक। पुनः LTD न्यूज में आपका स्वागत है, देखते हैं न्यूज खबरों का संसार। बरेली शहर में लॉकडाउन का पुलिस फोर्स करा रही है अक्षरशः पालन, 12-12 घंटे की कर रहे हैं ड्यूटी। इस संबंध में चौकी इंचार्ज मणिनाथ ने से की गई हमारे संवाददाता द्वारा बातचीत। बरेली शहर से डॉक्टर लेखराज की रिपोर्ट, सहयोगी प्रमोद कुमार। अद्भुत बच्चे ने लिया जन्म, कुछ घंटे बाद ही हुई उसकी मौत। इस बच्चे के मुंह नाक तो थी परंतु कान और लैटिन आदि की नहीं थी कोई जगह। बरेली शहर से सुंदरलाल मौर्य की रिपोर्ट।